शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद, सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में मंजूरी दे दी गई। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ 28 मई तक कायम मकाम सदर रहेंगे। 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। राना सना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखुरू किया और एक बार फिर पार्टी सदारत के लिए आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफी का कहना था कि शहबाज शरीफ के पार्टी सदारत के इस्तीफे को भारी दिल से कबूल किया। कायम मुकाम बनाया, उन्होंने जब रिजाइन किया तो एक्सेप्ट करके सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने फिर यही कहा कि कायम मुकाम 28 तक यही है। 28 में इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तईद के साथ जनरल कौंसल सदर बनाएगी और फिर पार्टी इंशाल्लाह दोबारा उसी तरह मोबिलाइज होगी जिस तरह पहले। शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा जो है उसको बड़े भारी दिल के साथ कबूल किया गया, उनकी खिदमात को सराहा गया और एक्टिंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे है। इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह खान साहब की सरकर्दगी में अनाउंस किया गया है और 28 मई वो इलेक्शन है और शायद एक दिन पहले नॉमिनेशन पेपर वगैरह, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।